हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल सौम्याज किचन में स्वागत है। आज बना रहे नाचोस, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और इस तरीके से फटाफट नाचोस बन जाते हैं। साथ में बनाएंगे चीज डिप और सालसा। नाचोस बनाने के लिए सबसे पहले नाचोस के लिए आटा माड़ करके रखेंगे। नाचोस बनाने के लिए 1 कप मक्के का आटा लिया है। 1 कप मक्के के आटे को बड़े बॉल में डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा। 3/4 कप मैदा को बॉल में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल, 2 चुटकी हल्दी या 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी, 1 चुटकी रेड चिली पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मक्के के आटे को एकदम कड़क गूंथेंगे, जिससे कि हम उसको अच्छी तरीके से बेल सकें। मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, गर्म नहीं है। गुनगुने पानी से मक्के के आटे को एकदम कड़क गूंथ लेंगे, जिससे कि हम बहुत आसानी से उसको बेल सकें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सख्त आटे को गूंथ लेंगे, जैसे कि पूड़ी का आटा होता है, सेम उसी तरीके से मक्के के आटे को मार लेना है। एकदम टाइट डो बनाना है इसका। आप देख सकते हैं, एकदम कड़क मक्के के आटे को गूंथ लिया है। अब 15-20 मिनट के लिए मक्के के आटे को ढक करके रख देंगे। अब सालसा तैयार करेंगे। सालसा तैयार करने के लिए 1 बॉल लेंगे। बॉल में डालेंगे टमाटर, महीन कटे हुए। टमाटर की जो अंदर का पल्प होता है उसको निकाल दिया है और टमाटर को महीन महीन काट लिया है। शिमला मिर्च को महीन महीन काट लिया है, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, 1 कली लहसुन की महीन कटी हुई। अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन तो ना डालें। हरा धनिया महीन कटा हुआ, कॉर्न और महीन कटी हुई प्याज। आप अपने टेस्ट के अनुसार सब्जियों को कम ज्यादा कर सकते हैं। सभी सब्जियों को बॉल में डाल देंगे। एक हरी मिर्च और एक लाल मिर्च को महीन महीन काट लिया, उसके जो बीज थे उनको निकाल दिया है, जिससे कि मिर्च का चरपरापन कम हो जाए। करीब 1 टेबल स्पून सिरके में मिर्च को भिगो दिया था, अब इसको भी डाल देंगे सब्जियों में। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून टमाटो केचप, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स टेस्ट के अनुसार, और 1/2 टीस्पून ऑरेगेनो डालेंगे। अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सालसा बनकर के तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, जब तक हम चीज डिप बनाएंगे और नाचोस बनाएंगे। अब चीज सॉस तैयार करेंगे। चीज सॉस तैयार करने के लिए गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे। फ्राई पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून मक्खन। जैसे ही मक्खन मेल्ट होना स्टार्ट होगा, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैदा, और मैदा को अच्छी तरीके से भून लेंगे मीडियम हीट पर, जिससे कि इसका कलर चेंज ना हो और मैदा का कच्चापन भी चला जाए। 2 से 3 मिनट तक मैदा को इस तरीके से भून लेना है। आप देख सकते हैं, मैदा भून चुकी है और मैदा का कलर चेंज नहीं हुआ है। गैस को फुल फ्लेम पे कर देंगे और 1 कप दूध डाल देंगे। पूरा एक साथ ही डाल देंगे। दूध को चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि लम्स ना पड़े, क्योंकि इसमें अभी हम चीज डालेंगे तो चीज डालने के बाद सॉस गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा दूध ज्यादा डाला है इसमें। अगर आपको एकदम थिक सॉस चाहिए तो आप इसमें 3/4 कप दूध डालें। अगर आपको सॉस और ज्यादा पतली चाहिए तो आप इसमें 1/4 कप दूध डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, दूध में उबाल आने लगा है और दूध गाढ़ा भी होने लगा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे चीज। 1/3 कप चीज है, छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई, ये प्रोसेस चीज है। चीज को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और गैस को मीडियम टू स्लो हीट पर कर देंगे, जिससे कि चीज अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं, चीज मेल्ट हो रही है और सॉस भी थिक हो रही है। आप चाहे तो चीज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक या अपने टेस्ट के अनुसार नमक, क्योंकि चीज में काफी नमक होता है और मक्खन में भी काफी नमक होता है अमूल बटर में। आप देख सकते हैं, चीज अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, सॉस तैयार हो गई है। अब सॉस एकदम स्मूथ हो, एकदम इसमें कोई भी लम्स ना हो, इसके लिए सॉस को छान लेंगे एक छलनी में करके। आप देख सकते हैं, एकदम क्रीमी सॉस बनकर के तैयार हुई है। सॉस बनकर के तैयार हो गई है। सॉस को ढक करके रख देंगे। अब नाचोस तैयार करेंगे। मक्के के आटे को रखे हुए करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को इस तरीके से मल लेंगे करीब 1 से 1.5 मिनट तक। अब आटे के छोटे छोटे बॉल तोड़ लेंगे,
जितने बड़े बड़े नाचोस बनाने हो उसी हिसाब से आप बॉल तोड़ लें, या फिर आप बड़ा पीस बेल करके उसमें से कट कर लें। इस तरीके से सभी लोई को बना करके रख लेंगे। एक लोई को लेंगे और सभी लोई को ढक करके रखेंगे जिससे कि लोइयां सूखे ना। थोड़ी सी सूखी मैदा लगा करके लोई के किनारे फटे ना, इस तरीके से लोई को दबा करके लोई को बेलेंगे और थोड़ी सी सूखी मैदा लगा करके एकदम पतला बेल लेंगे लोई को। अगर लगे कि लोई चकले पे चिपक रही है तो आप थोड़ी सी सूखी मैदा और इस तरीके से डाल लें और फिर बेलें। अगर आपको लगता है ये थोड़ा बड़ा साइज है नाचोस का तो आप अपने हिसाब से और छोटी लोई को तोड़ें और फिर बेलें। लोई बेलने के बाद आप पूरी पूरी को इस तरीके से प्रिक कर लेंगे जिससे कि जब हम नाचोस को सेकेंगे तो नाचोस फूले ना, पूड़ी की तरीके से फूल ना जाए। अब प्रिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने कितनी पतली पूड़ी बेली है। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली पूड़ी बेली है। अब इसको तवे पे डाल देंगे। गर्म तवे पे डालते ही आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। कलर चेंज होने के साथ ही इसको पलट देंगे। पलटने के साथ ही करीब 5 सेकेंड और सेकेंगे और फिर इसको एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। इसी तरीके से सभी पूड़ी हैं उनको बेल करके सेक लेंगे इस तरीके से। बस ऐसे ही सारी पूड़ियों को सेक सेक करके रख लेंगे। आप देख सकते हैं सारी पूड़ी सेक ली हैं इस तरीके से। अब नाचोस को कट करेंगे। सभी पूड़ियों को इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब नाचोस को डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए नाचोस को मीडियम हीट पर डीप फ्राई करेंगे जिससे कि नाचोस एकदम क्रिस्पी बने। अगर हाई हीट पर डीप फ्राई करेंगे तो नाचोस का कलर एकदम चेंज हो जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर स्लो फ्लेम पर नाचोस को फ्राई करेंगे तो नाचोस में ऑयल भर जाएगा और जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे नाचोस, ना खाने में अच्छे लगेंगे। तो मीडियम हीट पर नाचोस को फ्राई करेंगे और एकदम क्रिस्पी होने तक नाचोस को तल लेंगे। जब नाचोस एक तरफ से सिक जाएंगे हल्के से तब नाचोस को पलट देंगे और उलट पुलट करके एकदम क्रिस्पी होने तक नाचोस को तल लेंगे। नाचोस को सेकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हैं नाचोस एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। नाचोस को प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोख लेगा और इसी तरीके से सभी नाचोस को डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है नाचोस का, एकदम येलो कलर है। तो बहुत ही अच्छे नाचोस बन करके तैयार हुए हैं। सभी नाचोस सिक करके तैयार हैं। अब नाचोस को सर्व करेंगे। इस तरीके से चीज सॉस डाल करके, सालसा डाल करके नाचोस को सर्व कर सकते हैं या अलग अलग बॉल में भी इन सभी चीज़ों को अलग सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सालसा, चीज़ डिप और नाचोस बनकर के तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।